ओके सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ करंट सिचुएशन के बारे में जो कि बहुत ही बुरी चल रही है इस समय। ठीक है, पहले मैं आपको कोरोना पेशेंट्स का यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ। कमेंट मत कर देना कि कोरोना वायरस एनालिसिस का वीडियो है ये। ठीक है, उस पर बेस नहीं है, बहुत ही अच्छी सी मैं आपको एक बात बताऊंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे मुंबई के केसेस नियरली एक्टिव केसेस 70,000 है और पुणे के देखो तो भाई हद पार है, उसका तो मुंबई से बहुत ज्यादा है। तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? याद करो, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था मुंबई में सिर्फ 10 से 40,000 केसेस थे, तो इतने केसेस पर लॉकडाउन लगा था। आपकी बार तो 80,000 नियरली होने वाली, इवन पुणे में है भी, तो मतलब लॉकडाउन लग सकता है। और अगर एक बार लॉकडाउन लगता है फिर भी बोर्ड एग्जाम ली जाती है तो वहां पे 6 से 8 लाख बच्चे जाएंगे ही जाएंगे, गारंटीड है। तो इतने सारे बच्चे बाहर निकलेंगे, वो भी साथ में रहेंगे, पेपर मैच करेंगे बाहर निकल के, मतलब एकदम खतरा है पूरा। तो एक चीज की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है यहाँ पे, नहीं बोर्ड पोस्टपोन नहीं, बट एक बहुत बड़ा नियम बदल सकते हैं मुझे लगता है। मतलब बोर्ड एग्जाम लेने का पैटर्न में कोई ना कोई एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी कोरोना केसेस इतने ज्यादा है ना कि अब बचाव जितना किया जा सके उतना ज्यादा करना पड़ेगा। लॉकडाउन भी अभी मुझे लगता है फुल इम्पोज हो सकता है, खैर वो बात की बात है। बट अगर सोचो इतने सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे, सेल्फ सेंटर है तो भी जाएंगे तो स्कूल में ही ना, घर पे थोड़ी ना है सेल्फ एग्जाम हो जाए तो मजा आ जाए, तो जाएंगे तो वो स्कूल में ही पेपर देने। ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ का और क्रिटिकल है क्योंकि उनका एग्जाम 23 अप्रैल से ही है, जो कि बहुत ही नियर है, 2 हफ्ते में पेपर है उनका। तो यहाँ पे मुझे लगता है या तो उन्हें पेपर लेने के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर देना चाहिए, और या तो एक ही चीज बेटर रहेगी, बोर्ड भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो मुझे जहां तक लगता है एकेडमिक ईयर चेंज कर देना चाहिए, जनवरी टू दिसंबर कर देना चाहिए, या फिर वो साल रिपीट करवा देना चाहिए स्टूडेंट से। क्योंकि ऐसा देखा गया है इस साल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना साल रिपीट कर रहे हैं, खास करके वो स्टूडेंट्स जो 11th में है, वो रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका 11th अच्छा गया नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थी, मजे किए, कुछ अटेंड नहीं किया, सो वो रिपीट कर रहे हैं। तो मुझे यहां तक लगता है कि एक साल दे दो, लाइफ का एक साल अगर चला गया इस पैंडेमिक की वजह से, पैंडेमिक ठीक करने की वजह चक्कर में, ठीक है, इट्स ओके। बट अगर एक बार कोरोना केसेस अब की बार बढ़ गए ना, तो फिर मतलब थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचो, अपनी पढ़ाई अपनी तरफ है, रियल लाइफ के बारे में सोचो। ठीक है, पढ़ाई तो ठीक है, पर थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बाकियों की देखो, और बहुत सारी कंडीशन है जो बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट हो जाएंगी। तो बोर्ड एग्जाम अगर लेते हैं तो वो काफी बुरा साबित भी हो सकता है, और अगर अच्छे से इसको निकाल ले गए तो वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड एग्जाम हो गई है। मतलब इतना बढ़िया से इसको कंडक्ट कर ले गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है अभी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि पेपर कैंसिल हो सकता है, कैंसिल वैंसल नहीं होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि ये सिचुएशन है और ऐसा हो सकता है, ताकि इन्फॉर्म्ड रहो। ठीक है, आप भी बाहर और मत जाओ, आराम से घर पे बैठो, पढ़ाई करो, समय है, घर पे हो, रिलैक्स रहो, पढ़ाई करो। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, तो पढ़ाई करते रहो। मेरी लास्ट टिप आपको यही रहेगी कि बस पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जाम की मत सोचो। अगर कैंसिल होगा तो टॉपर बच्चा भी बोलेगा अच्छा हुआ कैंसिल हो गया, कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, भले अभी बोल रहा है अरे बोर्ड कैंसिल हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, पूरा पढ़ाऊं, वो भी खुश हो जाएगा कि बोलेगा अरे यार कैंसिल हो गया, बस वो टॉपर वाली इमेज है ना, इसलिए बोलना पड़ता है ऐसा। मैं भी खुश हो जाता अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो जो भी है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी खुश हो जाता, भले बाहर से बोलूं कि अरे यार कैंसिल हो गया अब मैं क्या लिखूंगा, अंदर से खुश रहूंगा कि अच्छा हुआ मेरी 10% खामियां थी वो छुप गई। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो सकता है, बट बोर्ड एग्जाम अगर पोस्टपोन करते तो फिर इफेक्ट पड़ जाएगा। मतलब इस समय गवर्नमेंट पूरी तरीके से सोच में पड़ चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है, आपकी क्या राय है। अच्छा, जरा अपनी अपनी राय आप कमेंट करें तो मैं भी जरा जानूं कि आपकी राय क्या है। बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने के बारे में बिल्कुल मत बोलना। ठीक है, तो एक डिसीजन लीजिए बढ़िया सा, देखते हैं क्या होना है। लास्ट टिप तो यही रहेगी कि आप अपना सिलेबस करते रहें, इसके बारे में सोचे ही ना। ठीक, इसके बारे में सोचो ही मत, पढ़ाई करते रहो बस। पढ़ाई करना तो तय है ना, पढ़ाई थोड़ी ना कैंसिल होगी, सब कुछ कैंसिल हो, पढ़ाई नहीं कैंसिल होगी। सो डू इट, जो है वो करो, जो होने वाला है उसकी मत सोचो। ठीक है।